यू वेलकम टू एरियन डायमंड इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे आगे कमांड जो कि स्पाइरल कमांड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले फोर व्यूज ओपन होना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स सी, टेक अ स्पाइरल स्टेट ऑफ एक्सिस। सो सेंटर हम लोग सबसे पहले सेंटर लेते हैं, तो ज़ीरो एंटर। जीरो एंटर लेने के बाद अभी जैसे कि कान हमारा यहाँ रहेगा, ध्यान हमारा इधर रहेगा, ठीक है। सो सेंटर एंटर करने के बाद ज़ीरो इसका जो ले लिया हमने सेंटर, अब यहाँ से फ्रेम में आकर इसे हम लोग एक मेजरमेंट दे रहे हैं, जो कि आप मेजरमेंट देख रहे हो जैसे कि 10 mm, 12 mm, 13, 14, ये मेजरमेंट हो रहा है। स्पेसिफिक इसका कोई मेजरमेंट डाला नहीं अभी तक, अब मैं डालने वाला हूँ। अब 10 एंटर, सो 10 mm का ये मैंने मेजरमेंट डाल दिया, ठीक है। जो कि आप ये एक फिक्स जगह पर आकर रुक चुका है, जो कि 10 mm मैंने दे चुका। अब ये चीज़ सेम हम आ जाएंगे टॉप व्यू पर, ठीक है। टॉप व्यू में आने के बाद अब यहाँ पर सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हो, जैसे कि पल्स डायमीटर एंड स्टार्ट पॉइंट, फिर रेडियस, मोड, पिच, टर्न्स 20। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पर 5 mm का मेजरमेंट डाल रहा हूँ। 5 के हिसाब से ये हो चुका है 2.5, ठीक है, हाफ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस में आएगा। अब इसी चीज़ को सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कुछ 10। सो ये 5 5 10 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो पिच है, जैसे कि पिच में यहाँ पर मैं 1 mm के मेजरमेंट में एंटर कर लिया, सो ये 1 mm के हिसाब से ये आ चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ समझो कि मुझे रोटेट यानी कि एरोपोलर करते हैं इस चीज़ को, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके ऊपर जो भी ऑप्शंस थे हम लोग वो देखेंगे। सेम एरोपोलर, जीरो एंटर, नंबर्स ऑफ आइटम 2, रेफरेंस यहाँ पर 360 होना चाहिए, एंटर। ये चीज को मैं कर देता हूँ रोटेट फ्रंट से। अब ये जो एंड है, इसका जो एंड है ये यहाँ पर आ चुका है और इसका एंड यहाँ पर आ चुका है। सो हम लोग यहाँ पर इस दोनों कर्व को ज्वाइन करना होगा, शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करने के बाद कंपलसरी यहाँ पर मुझे देखना है कि ये सक्सेसफुली हो चुका है या नहीं हो चुका है, ठीक है। तो 2 curve joined into 1 open curve, ये सक्सेसफुली 1 curve हो चुका है ज्वाइन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग एक पाइप कमांड के जरिए देख कर समझ सकते हैं, एक 3D व्यू में देख लेते हैं। पाइप कमांड डायमीटर 0.2 दिया हुआ, देख लेते हैं 0.2 के हिसाब से, जस्ट इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये जस्ट लाइक एक स्प्रिंग टाइप बना है कुछ सेम, थोड़ा इसे मेजरमेंट थोड़ा 0.5 के अराउंड देखकर देख रहा हूँ, तो ये 0.5 के अराउंड हुआ है, ओके।